हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा डिज़ाइन। और मैं आपके दोस्त नेहा अलवी। आज हम आपके लेकर एक सुंदर सी फ्रॉक। देखिए, हमने यहाँ पे नेक पे फ्रिल का यूज़ किया है और अब हम आपको उसको पलट के दिखाएंगे। बैक साइड पे भी हमने यहाँ पे फ्रिल जो है बनाकर तैयार की है। और ये जो फ्रॉक है ना, बनाना बहुत ईजी है और 1 मीटर कपड़े में बनकर तैयार हो जाती है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा ईजी है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रॉक की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कट करेंगे अपना टॉप पार्ट। तो टॉप पीस के लिए हमने ये वाला फैब्रिक लिया है और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से। लेंथ हमने इसकी रखी है यहाँ से 10 इंच पर और विड है हमारे यहाँ से 21 इंच हमारी विड है। और सेम मेजरमेंट में 2 पीस यहाँ पर हमने कट किए हुए हैं। और अब इन दोनों पीस को हम फोल्ड करेंगे। दोनों पीस को हमने फोल्ड किया और अब इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ से मार्क करेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर होंगे हमारे 5.5 इंच पर, शोल्डर का मार्क होगा। आर्म सोल का मार्क लेंगे हम यहाँ से 5.5 इंच पर, हमारे आर्म सोल का मार्क होगा। और चेस्ट हम लेंगे यहाँ से 6.5 इंच पर, कमर का मार्क होगा हमारा यहाँ से 6 इंच पर। देखिए, ये जो हमने मार्किंग की थी ये हमारी फिटिंग की मार्किंग थी। और ये वाला जो हमने निशान यहाँ पर लगाया है ये हमारी लूजिंग है। ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा लूजिंग का होगा। तो चलिए अब इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम शोल्डर में थोड़ा सा डाउन लगाएंगे इस तरीके से और अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। हमारे टॉप की कटिंग यहाँ तक हो गई है और अब हम कट करेंगे नेक का। तो यहाँ से हम दोनों पीस को अलग अलग फोल्ड कर देंगे। पहले हम अपना फ्रंट वाला नेक कट करेंगे। तो विड होगी हमारी यहाँ से 2 इंच पर हम विड रखेंगे और लेंथ होगी यहाँ से हमारी इसकी 3 इंच पर। ये हमारा फ्रंट वाला नेक है और इसके बाद हम कट करेंगे अपना बैक साइड का नेक। तो उसके लिए यहाँ से देखिए, इसकी जो हमारी नेक की विड है वो हम सेम रखेंगे। यहाँ से 2 इंच पर हमारी नेक की विड होगी और लेंथ हम यहाँ से लेंगे। देखिए, इसकी लेंथ का मार्क करेंगे यहाँ से 7 इंच पर और इसको हमें वी शेप में मार्क करना है। देखिए इस तरीके से। और अब आएंगे इसकी कटिंग। ये हमारे बैक साइड का नेक है और ये हमारा फ्रंट वाला पीस है। देखिए इस तरीके से हमारा जो टॉप है वो इस तरीके से सिलेगा। और इसके बाद अब हम लेंगे इसकी लेयर। तो इसको साइड पे रखते हैं अभी। ये हमारा बॉटम पार्ट है और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से। लेंथ हमने इसकी रखी है यहाँ से 15 इंच पर और विड्थ हमारी यहाँ से 21 इंच। इसको हम डबल करेंगे तो 42 इंच हमारी विड है। और सेम मेजरमेंट में देखिए, यहाँ पर हमने 2 पीस कट किए हुए हैं। ये हमारा बॉटम पार्ट है। तो हमारी जो फ्रॉक है सिंपली उसकी हमारी कटिंग हो गई है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको अभी हम साइड पर रख देंगे। बॉटम पार्ट कट करने के बाद हमने ये वाला पीस लिया है और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से। विड है हमारी 4.5 इंच पर और लेंथ हमने यहाँ से इसकी रखी हुई है 22 इंच हमारी लेंथ है। और सेम मेजरमेंट में 2 पीस यहाँ पर हमने कट किए हैं। ये दोनों पीस हमने कट किए हैं हमारे बैक साइड पे, जो हम बैक साइड पे स्ट्रैप का यूज़ करेंगे उसके लिए। तो इनको अभी साइड पे रखते हैं। और इसी के साथ हमने 1 पीस और जो यहाँ पे कट किया है इसको हम यूज़ करेंगे फ्रिल की तरह। तो फ्रिल यूज़ होगी हमारे नेक पे। तो इसके हमारी विड है यहाँ से 3 इंच हमारी विड है और लेंथ है इसकी यहाँ से हमारी
44 इंच हमारी लेंथ है और इसको हम यूज करेंगे नेक पे फ्रिल की तरह। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हम दोनों शोल्डर को मिला लेंगे। देखिए यहाँ से हम दोनों पीस को मिलाएंगे और दोनों पीस को मिलाते हुए हमारे दोनों शोल्डर हैं, दोनों शोल्डर सिलकर हमें तैयार करने हैं। दोनों शोल्डर हमने सिलकर तैयार कर दिए हैं और इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने फ्रिल कट की थी, देखिए ये वाली जो हमने फ्रिल कट की थी, अब इसको हम एक साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। देखिए हमारी जो फ्रिल है इसको हमने फोल्ड कर दिया है और यहाँ से भी इसको हमने फोल्ड किया है। तो अब इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से। ये हमारी राइट साइड है, देखिए राइट साइड की तरफ हम अपनी ये फ्रिल रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर डालेंगे हम इस पर तरीके से प्लेटें डालकर इसको तैयार करेंगे। और ये प्लेटें हमें देखिए इस तरीके से नेक पे यहाँ पर इस तरीके से डालकर इसको तैयार करनी है। इस तरीके से हमारी जो फ्रिल थी, फ्रिल हमने तैयार कर दी है और अब यहाँ पर हमने क्रॉस पट्टी लेकर तैयार की है। तो इस क्रॉस पट्टी को हमें कैसे अटैच करना है, देखिए यहाँ से हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ लेंगे इस तरीके से, और रॉन्ग साइड की तरफ लेते हुए इसको हम यहाँ पे इसकी चारों तरफ पे सिलकर इसको तैयार करेंगे। यहाँ से हमारी जो पाइपिंग है वो पाइपिंग हमने अटैच कर दी है और अब यहाँ पर लगाएंगे हम कट्स। तरीके से और अब हमें क्या करना है, इसको हम पलट लेंगे राइट साइड की तरफ इसको पलटते हुए और अब यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर एक सिलाई लगाकर इसको तैयार कर देंगे। नेक हमारा बनकर तैयार है और इसके बाद हमें अपने आर्म सोल तैयार करना है। तो आर्म सोल कैसे तैयार करेंगे, जिस तरीके से हमने नेक पे पाइपिंग की है सेम तरीके से अपने आर्म सोल पे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने देखिए क्रॉस पट्टी ली है, इसको यहाँ पर रखेंगे और इसके साथ में सिलकर इसको तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारी पाइपिंग है, ये हमने सिलकर तैयार कर दी है और अब यहाँ पर लगाएंगे हम कट्स। कट्स लगाने के बाद अब इसको हम पलट लेंगे और यहाँ से देखिए इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको तैयार कर देंगे। दोनों आर्म सोल पे हमने सेम तरीके से पाइपिंग करके इसको तैयार कर दिया है और इसके बाद हमें क्या करना है, अब लेंगे हम यहाँ से हमारा बॉटम पार्ट। ये हमारा बॉटम पीस है और इसको अब हमें कैसे तैयार करना है, तो यहाँ से पहले हम अपना फ्रंट वाला पीस लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर रखेंगे अपना बॉटम पार्ट और अब यहाँ पर हमें देखिए इस तरीके से इसमें प्लेटें डालकर इसको तैयार करना है। तरीके से प्लेट डालकर इसको तैयार करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे एक सिलाई। देखिए यहाँ पर हमने प्लेट डालकर इसको तैयार कर दिया है और सेम तरीके से हमारा जो बैक साइड वाला पीस है इसको भी हमने तैयार कर दिया। तो अभी हम इस वाले पीस को रखेंगे साइड पे और जो हमने दो स्ट्रेप के लिए पट्टियाँ कट की थी अब हम वो लेंगे, देखिए यहाँ से इस तरीके से और अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक सिलाई इस तरीके से। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से इस तरीके से और अब हम इसको पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद हमने सेम तरीके से जो हमारी दूसरी पट्टी थी ये भी तैयार कर ली है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपनी फ्रॉक लेंगे। तो यहाँ से हम अपनी फ्रॉक लेंगे, हमारी फिटिंग की सिलाई है और ये जो हमने स्ट्रेप बनाकर तैयार की है इसको हम रखेंगे, देखिए यहाँ पर सेंटर पे। और यहाँ पर लगाएंगे सिलाई।
देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगाकर तैयार कर दिया है। और इसके बाद लेंगे अब अपना बॉटम पार्ट। देखिए यहाँ से अपना बॉटम पीस लेंगे और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। दोस्तों हमारे आज का वीडियो बनकर तैयार है। आज का हमारे वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।